Hey guys, good morning from Tosh Camp. अभी तक बंद है बिकॉज हमारा हिम्मत नहीं हो रहा है कि हम कंबल के बाहर निकले एंड मतलब बाहर जाए ठंडे में. अभी कितना डिग्री हो रहा है रेनो? उठो जरा, उठो, ये लोग उठाओ. हेलो, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग दीपशिका. वो पूरा गई है, वो अब निकलने वाली भी नहीं है. कितना डिग्री हो रहा है अभी जो है बताना. सुबह सुबह 8 बजे नेट नहीं चल रहा है. ठीक है, मैं आपको थोड़ी देरी में बताऊंगी बाहर निकल के. पहले तो मैं इसे खोल लूं. हमारा हिम्मत नहीं हो रहा है. पराशर बाबू खोलिए, चेन खोलिए. अब नहीं हो रहा भाई साहब. खोलो खोलो खोलो. हटा दे, ठंड लगेगी. हमको तो उठना ही पड़ेगा. ये रखो, इसका तो परिचोट लगा. भास्कर का है. भास्कर का ही है. ओके, रेडी कर दिया. सो कितना डिग्री है अभी? कितना डिग्री है अभी? भी -7 डिग्री शो कर रहा है. गॉड, मैं चप्पल पहन लूं फिर आपको दिखाती हूँ. दिस इज सो ब्यूटीफुल. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. ये हमारा टेंट एंड वो अभी तक नालायक सो रहे हैं कुछ लोग एंड बर्फ जमा हुआ है यहाँ पे. ये है कैंप लाइफ. सो लोग ऐसे रहते हैं. अभी भी -7 डिग्री है. सुबह 8:30 हो रहे हैं. माय गॉड, मेरे तो हिम्मत ही नहीं हो रहा है एकदम खड़े होने का भी. ओएमजी, पानी नीचे का सूख गया. इतना स्नो, इतना बर्फ एंड यहाँ का जो पानी है. कल रात को हमने डिनर करके जो हाथ धोया, हाथ तो ऐसा जमा मतलब कि जैसे किसी ने कांटा ये कर दिया हो. मतलब जितना भी ठीक कर लो वो ठीक ही नहीं हो रहा था. मैं तो सोच रही थी टच करने के, बट सो ये छोटी छोटी कैंप है. आई मीन टेंट लगे हुए. सॉरी, उठ गया क्या सब कोई? उठ गया क्या तुम लोग? उठ गए. इसको ओपन करो. गुड मॉर्निंग. देखो दानिश, उठो. गुड मॉर्निंग. बापरे, नहीं नहीं हम ये चेक कर रहे हैं कि ये खुल ही नहीं रहा है. ये बर्फ हो चुका है. ओ गॉड, जम गया है ये. हिम्मत नहीं हो रहा यार एकदम. हाथ भी एकदम जम जा रहा है. हाथ पूरा जम जा रहा है. हिम्मत नहीं हो रहा है एकदम. कैसे खड़े हो अब तो? मतलब जा रहे बस खड़े है, बस पता है खड़े. बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रहा भाई. चारों तरफ पूरा बर्फ ही बर्फ. बर्फ के बगल में सोए हैं. और भास्कर क्या कल क्या किया? रात में बस एक कंबल ओढ़ा है. इतना गलत. कैसे थोड़ा रात में कितने बजे सोई? पूरा आवाज आ रहा था. सो तो गए थे जल्दी. हाथ मतलब जम जा रहा है फिर से. रात को पूरा रात हम लोग ने शिवर किए जैसे वहाँ कर रहे थे ना. हाँ, पूरा रात में हम लोग तो सो गए चारों के साथ. लेकिन ग्रीन ग्रीन हो गया है पूरा. मैं जा रही हूँ थोड़ा अंदर ये करने, ग्लव्स पहनने. देखा जाता है. सो अभी धूप निकल चुका है. कितना बज रहा है अभी? 10:30 हो रहा है ना. 10:30 हो रहा है एंड अभी हम कैंप छोड़ने वाले हैं. काफ़ी ठंडा है अभी भी. हवा चल रहा है बहुत तेज. तो सभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अभी फिलहाल. अब इसके बाद हम जाएंगे मणिकरण. धूप निकलने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है. और मतलब हवा तो चल ही रहा है बट सीनिक ब्यूटी बहुत सुंदर लग रहा है इसका.
इसी वजह से हम लोग ट्रेक नहीं कर पाए थे, मुझे सुबह तक आते तक ट्रेक हो पाता अच्छे से। ब्रेकफास्ट करते हुए लोग, ब्रेकफास्ट नहीं करना? नहीं, हम तो नहा के खाते हैं ना। ये एक पंडित है हमारे यहाँ पे, कृष्ण कन्हैया जिसको मैंने बोला। वो बिना नहाए बिना ब्रश के खाते नहीं है। वैसे तो ब्रश किए बिना कोई नहीं खाता, लेकिन नहा बिना नहाए सब खा रहे हैं। कोई को ब्रश कर लिया, दानिश ब्रश कर लिया है, ठीक है, क्योंकि यह पानी ही नहीं है। जैसे मैंने दिखाया आपको टैप का, जो टैप फ्रीज हो चुका है सब कुछ, तो नल से तो पानी नहीं आ रहा था। बाल्टी में जो पानी रखा था वो बर्फ जम चुका था पूरा, उसको 5 से 2 लात मारे, बर्फ हिला टूटा, तो फिर उसको यूज किया हम। सीरियसली, यहाँ से मणिकरण जाएंगे, वहीं पर रूम लेकर हम थोड़ा फ्रेश वगैरह होंगे। एंड पहले तो ट्रैक करेंगे, बोलो 1.5 किलोमीटर यहाँ से। हाँ, 1.5 किलोमीटर यहाँ से हम पैदल नीचे उतरना, बिकॉज गाड़ी नहीं आ सकता। सो मिलते हैं रास्ते में आपसे। ट्रैकिंग शुरू हो गया हमारा, यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर नीचे जाना है हमें, उसके बाद ही हमें गाड़ी मिलेगा। सो काफ़ी लंबा रास्ता है, दो लोग ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं। बता ऐसे थोड़ा तिरछा था यार, लगेज के साथ दे रहे हो तुम लोग यार, टाइम लैप्स में सब आ रहा है। ओ अच्छा, ये हसीन है ये दुनिया, देखो सारे चमेले। फिर क्या आगे में आशियाना तो बना रहे थे ना हम लोग वीडियो, आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढती मुझे पे घर तेरा। उसके बाद क्या है, तो मिल गया हमारा कैब। अब ये है हमारा कैब, आ गया। चलो यहाँ पे एक मंदिर भी है ना, ये वाला, ये मंदिर का नजारा। गाड़ी में क्या लिखा है, भोले की फौज करेगी मौज। ज्ञान पता है यहाँ पे ट्रक के पीछे, पिकअप वैन के पीछे। हाँ ये ठीक बोले, कहाँ गए वो लोग, अभी तक आए नहीं है बाकी सब। यहाँ भी स्नो जमा हुआ है। वापरे, हाउ इज ही लुकिंग एट मी। कैब में तुम बैठ गए बट इतना ट्रैफिक है, पूरा जाम लगा हुआ है। एंड यह कर रही है वर्क फ्रॉम कार, एंड सब मोबाइल में लगे पड़े हैं। बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे सीरियसली। हाँ वो तो है, लेकिन क्या लिखा है, एक जगह पे 11 मृत्यु हुई है, एक जगह पे 3। बापरे, इस मोड़ पे ऐसा, इस मोड़ पे
बट अच्छा ऐसे लोग पढ़ के थोड़ा इसकी फोटो खींचो ना वहाँ जाके फोटो भी खींचो ना सामने में क्या वो बोर्ड अच्छा तब तक तो आधा घंटा हो जाएगा इतना धीरे धीरे चल रहा है यहाँ लिखा है ओके उतर के वाह ये बहुत सही किया ये एकदम सही किया ओह माय गॉड बर्फ है जमीन में मेरे को छोड़ के मत चल जाना यहाँ लिखा है सावधान इस क्षेत्र में 11 मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई है कुल्लू पुलिस अच्छा मतलब ये टर्निंग में हुआ है स्पेशली मैं उतरी हूँ यहाँ पे इसको कैप्चर करने के लिए हम पहुंच गए हैं मणिकरण गुरुद्वारा ये हॉट वाटर है ना यहाँ पे ये वाला ये अपने आता है नेचुरल हॉट वाटर अभी तो हम रूम के लिए जा रहे हैं उसके बाद हम चेंज वेंज करके ड्रेसअप होकर आएंगे फिलहाल हम रूम देख ले गुरुद्वारा साहिब चप्पल जूता यहाँ खोलना पड़ेगा ना अच्छा इधर लंगर हो रहा है इधर तो लंगर बरता रहा है इधर तो लंगर बरता रहा है और क्या बोल रहे मतलब लंगर हो रहा है हाँ, तो, लंगर चल रहा है तो पहले तो बुला दे उसके बाद नहीं हाँ उन्हें नहीं करना जी बाद में मिलेगा थोड़ा खाना खाने के लिए बाद में खाना खा लो खाना खाने के लेकिन फ्रेश होकर उसके बाद ही खा पाएंगे ना फ्रेश हो जाओ ये कब तक मिलेगा ये 24 घंटे रहता है क्या घंटा वेट करो ये जब तक चाय भी है इधर चाय पीने तो अब हमने रूम ले लिया है यहाँ पे गुरुद्वारा में एंड ये हमारा रूम है चार लोगों के लिए मीन्स गर्ल्स ओनली हियर और बाकी लड़कों लोगों को थर्ड फ्लोर दे दिया ना 200 समथिंग ये रूम नंबर 77 है ओह गॉड बट बहुत अच्छा है लाइक सोने के लायक गर्म भी है 24 आवर्स का हाँ रात को तो यही रुकना है रूम तो दिया है चेकआउट करने समय ये देना है हमें बस चाबी उनको तो हमें सामान लाना होगा ये अच्छा है कि हमारा ग्राउंड फ्लोर है सामान हम ला सकते हैं उनका जो इतना ऊपर दे दिया है कितना मुश्किल है यार बहुत वो लोग यही बोलते नीचे रख लो जो जरूरत कर ले जाओ ऊपर अगर कुछ भारी सामान है तो इसलिए वो बोला कि आपको जो सामान निकालना है हाँ बस आपको जो सामान निकालना है वो निकाल लीजिए सुनो सामान ले आते हैं हम लोग वो लोग को बोलते थे एटलीस्ट हम लोग रूम मिल गया है वो लोग हमने ढूंढ रहे हैं शायद है ना बोल देते हैं वो लोगों को तुम ये यहाँ पे बैठ के काम करके लो हाँ रेनू तुम काम कर ले
हम लोग सब रेडी हो चुके हैं, अभी ऊपर गुरुद्वारा जाने के लिए, गुरुद्वारा जाएंगे, उसके बाद लंगर खाएंगे, चले चले चलो लॉक कर दो रूम को। चलो डियर्स, ऊपर है दुख संताए नानक माया का दुख तदे चुक है जहां गुण सब शीतलाए मानो उद्वार बिरजियो सब मानव थाए माया का प्रमाण बिरजियो रंग लगे नहीं जो एक मान आवे मन भजन कर जे दुद अराध है से सब पे फल पावे मन मूत मूड़ जे मुदोते सिधि दर्शो ज्ञानंद गुण तेरे कति न जाई सतुर पुरख मरारी बिनवंत नानक एक राखी जित लग तरिय संसारी बड़ी मुला पांचवा श्लोक त्याय मना मुरारम कंदे कटिए कंद गो कृपा गोपाल गोविंद मर। अब जा रहे हैं लंगर चखने, काफी देर हो गया है लंगर नहीं खाया, अब लंगर चखने जा रहे हैं। अब हम निकल गए हैं कसौल की तरफ वॉक करते हुए, अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, पीछे लाइट वगैरह कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, बाकी सब भी साथ में वॉक करते हुए निकल रहे हैं। अंधेरा में तुम क्या ले रही, देखो सब दिख भी नहीं, कल अगर वहीं जा लेंगे। सो अब हम आ गए कसौल मार्केट, हमारा गुरुद्वारा का लंगर वगैरह सब हो गया है, कसौल घूम रहे हैं फिलहाल हम, जस्ट हॉपिंग और नथिंग एल्स, देखेंगे कहीं हमें कुछ खाने को मिले रेस्टोरेंट तो वहाँ भी स्टे करेंगे, देखेंगे। क्या ले रही है, कुछ मिला? ये सब ये गरम रखने वाला बॉटल है भैया, 24 आवर्स रहता है गरम? 24 कितना? 6 घंटे। कितना इसका? 9 घंटे। गलत नहीं बताएंगे मैं आपको, समय इसलिए हम भी यूज करते हैं ना। ये सब चार सौ ना? लेना है तुमको बाइक के लिए? यहाँ पे भी वही है सेम। यार एक जैकेट भी अच्छा लगा था, वो खाया। कहाँ टांगे गए सब यार, ये रहा कितना एयर, हाँ यार ये रहा देख कलरफुल,
हाँ अरे ऐसा मेरे को बहुत दिखा है बट वही है, ये तो वोलन वाला है, मतलब कॉटन वाला मिलता तो फिर मजा आता ना, क्योंकि ठंड में से पहन पाएंगे उसके बाद तो पहन ही नहीं पाएंगे, कॉटन वाला चाहिए रहता मेरे को, बट है नहीं, बैग सब है बट इतना कॉस्टली है यार ये सब, ये वाला चले रेनू तुम सरोजनी से लेके फिर तुम कसौल का कंपेयर कर रही है 350 का लेके चल अंदर घुस शॉल नहीं बाकी सब तो देखना है ना कुछ कुछ वही तो कुछ अच्छा यहाँ पे मिल जाए तो यहाँ कुछ मिला ठंडा में बचाएगा तेरे को कुछ पहनने का तीन चार लेयर कराने के बाद ये वाला एक ओंकार का कितना सही लग रहा है ये वाला अंदर का छोटा वाला ये वाला कितना में देंगे भैया ये कम नहीं करेंगे दूसरा पीस है क्या इसका कप वगैरह लेडी के कुछ मैग्नेट वगैरह ये सब मैग्नेट तो वहाँ पे भी दिखाया था कहीं नहीं ली जहाँ से हम वो लग लिए थे वाटर ये वाला मैग्नेट 50 का था वहाँ पे तो वहाँ ली नहीं अब यहाँ तो 100 का ले रही है क्या है कुछ ली लेग वार्मर लेग वार्मर पैंट्स